दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, कोई आवेदन करते हैं, जब भी हम ऑफलाइन कोई आइडेंटिटी लगाते हैं हमारी, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड हम कह सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कह सकते हैं, और जब भी हम ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा हमें एक हमारी आइडेंटिटी कार्ड का फ्रंट पेज और जो बैक एंड जो बैक पेज होता है उसको एक साइड ही प्रिंट करना होता है और एक साइड ही दोनों फोटोकॉपी को शो कराना होता है। ऐसा अक्सर कई बार होता है जब हमें एक ही पेज पर हमारे आइडेंटिटी कार्ड का बैक पेज और फ्रंट पेज चाहिए होता है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है स्प्लिट कैमरा। इसकी मदद से आप एक ही साइट पर, एक ही पेज पर अपनी आइडेंटिटी कार्ड या आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी फ़ोटो भी लेना चाहते हैं, उसका आप एक क्लोन जिसे हम कह सकते हैं, मिरर इमेज बनाकर आप उसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। हम आज इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर दिन मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर चलने के बाद जो है, हमें यहाँ सर्च करना है स्प्लिट कैमरा। स्प्लिट कैमरा ऐप पर जाएंगे। इसके बाद जो है, आप ये देख सकते हैं यहाँ स्प्लिट कैमरा ऐप लिखा आ गया है। आप इसको जो है यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। बाकी आप इसकी जो है एप्लीकेशन को आगे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कब ये एप्लीकेशन आई, किस तरीके से इस एप्लीकेशन को बनाया गया। हम आपको हमारे उसमें जो इंस्टॉल है पहले से, चलिए यहाँ से दिखाते हैं। देखिए, ये इसका आइकन है स्प्लिट कैमरा। स्प्लिट कैमरा पर हम क्लिक करेंगे, ये स्प्लिट कैमरा आ गया है। ये देखिए, यहाँ कैमरा शुरू हो गया है। आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप इसको जो है हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। अभी हम देखिए इसके एक साइड का फ़ोटो लेंगे। आप मान के चलिए ये हमारे एक साइड का फ़ोटो है, ये हमने इसको क्लिक कर लिया है। अभी इसका दूसरा साइड रेडी हो गया है, ये पार्ट बी है। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ से हम इसका दूसरा फ़ोटो लेंगे, ये हमने इसका दूसरा फ़ोटो ले लिया है। इसके बाद देखिए ये पेज आ गया है। अब आप इसको कलर करना चाहें, जो भी इसमें जितने भी सारे ये इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं, ये हम इफ़ेक्ट देकर देने के बाद आप इसको जो है यहाँ से सेव कर सकते हैं। नीचे आपको जो बटन दिख रहा है, यहाँ से हम इजीली इसको सेव कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से सेव हो गया है। सेव होने के बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं कहीं भी। आप इसको शेयर करने के बाद आपकी ये गैलरी में सेव हो जाएगा। वहाँ से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए भी आसान सा प्रोसेस है, हम एक बार और बताएंगे आपको करके। आप देखें, यहाँ पे हम कैमरे पर जाएंगे, यहाँ से हम इसको एक बार और चेंज कर लेते हैं। ये हमने चेंज कर लिया है। अभी मैं आपको ये हमारा माइक है, इसके बारे में दिखा देते हैं। ये मान लीजिए हमारा इसका फ्रंट पेज है, हमने इसका फ़ोटो लिया। ये ए साइड कवर हो गई है। अब देखिए, ए साइड कैप्चर होने के बाद बी साइड का कैमरा स्टार्ट हो गया है और इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ये हमारा बी साइड हो गया है। ये सेकंड साइड होने के बाद देखिए ये आ गया है सामने। अब आप इसमें भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आपको ठीक लगे। ये इफ़ेक्ट हमने लगा दिया है और लगाने के बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है यहाँ से ये सेव हो गया है। अभी हम चलकर आपको अपनी गैलरी में दिखा दें। हम गैलरी में आएंगे, हमारे गैलरी में आने के बाद जो है हम यहाँ से देख सकते हैं ये रिसेंट फ़ोटोज़ में। ये देखिए, ये आ गया है, ये फ़ोटो आ गया है। ये आप इससे यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए ये इसका साइज़ है, ये इसका जो है फॉर्मेट है, JPG में ये बनता है। काफ़ी अच्छी ये एप्लीकेशन है दोस्तों। ये देखिए, ये हमने दोनों बनाए थे जो एक ही उसमें। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये एप्लीकेशन, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।